हे फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्नो एडिट पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल होने वाला है, तो उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए वो पूरा देखना होगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिखे गई घंटी को ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो हे फ्रेंड्स, मैं हूँ PN एंड आप देख रहे हैं टेक्नो एडिट। तो चलिए यार, बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा एप्लीकेशन वो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसका कुछ इंटरफेस ऐसा दिखाएगा। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, पहले चलिए सेटिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको वाइब्रेट, नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह के सेटिंग्स मिल जाते हैं। तो चलिए जनरल पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको चार तरह के मोड मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला जो पॉकेट सेंस मोड है इसे हम एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये परमिशन मांगेगा, तो आपको फॉलो कर देनी है। तो ये एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों, पॉकेट सेंस मोड का ये यूज़ है कि आप इसे पॉकेट में डालते हैं, ये सेंसर ऑन होता है और पॉकेट से नीचे गिरने के बाद ये लाउडली बजने लगता है। तो आप इसे वॉकिंग के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये चार्ज सेंस मोड अभी एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि जब भी मोबाइल चार्जिंग से कनेक्ट रहता है तभी ये ऑन होता है। तो दोस्तों, चार्ज सेंस मोड का ये यूज़ है कि आपको अपने मोबाइल को चार्जिंग से कनेक्टेड रखना है और जब भी लाइट चली जाएगी तो आपके मोबाइल में चार्जिंग ऑफ होगा, जिसकी वजह से ये लाउडली बजने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारे मोबाइल में अभी चार्जिंग नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये तीसरा जो फीचर है मोशन सेंस मोड, तो इसका क्या यूज़ है? सिंपल है, आपको इसे यहाँ पे पढ़ लेना है और इसे ऑन कर देना है। यूज़ है कि आप इसे कहीं पे भी छोड़ के जा सकते हैं, ये मोबाइल थोड़ा सा भी हिलने पर ये लाउडली बजने लगेगा। तो जिससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल को किसी ने टच किया है। तो दोस्तों, इस मोड को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए आपको सेटिंग्स में ये पहले वाला सेटिंग्स को ऑन रखना है ताकि आपके सिवा इस अलार्म को कोई ऑफ ना कर सके। दोस्तों, ये लास्ट वाला मोड है वो चार्जिंग से कनेक्टेड होने के बाद ही एक्टिवेट होता है, क्योंकि जब भी आपके मोबाइल में 100% बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये अपने आप बजने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे मोबाइल में 100% चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों, कुछ इश्यू की वजह से हम आपको कैमरे में शूट करके ये डेमो नहीं दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये एप्लीकेशन कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना, और डिसलाइक क्योंकि वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।